मोस्टिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल मैनेजमेंट क्लास टुडे वी आर गोइंगर दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर होती हैं क्या मुश्किल होती हैं ऑर्गेजेश के लिए टू वर्क इन दिसमेंट एंड लर्निंग की तरफ अब चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल इश्यूज़ फेसिंग मैनेजर्स एंड डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एथिकल कल्चर एंड इनोवेटिव कल्चर एंड ए कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर And then discuss uh, why workplace spirituality seems to be an important concern, and uh, then describe the characteristic of spiritual organizations. Uh, these are the learning outcomes, and uh, we will study these uh, uh, the, the uh, whole chapter uh, in two lectures. So let's begin with the. Uh, this is the environment, and this is also one of the uh, learning outcome. Uh, what is the environment and uh, what is the internal environment? What is the uh, external environment? So, uh, you have to describe the components of specific and general environment. Specific environment uh, is specific to the organization, and the general environment, the environment uh, where the organization works. विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री आप कर लो या सिटी कर लो या इनवायरमेंट एज ए होल और uh, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस uh, के बारे में कर लो तो जनरल इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू दी होल ग्लोब देन डिस्कस द टू डायमेंशन ऑफ ऑर्गनाइज ऑफ द इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी के इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी आपको पता है कि अनसर्टन uh, होती है और uh, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने प्लान जैसे चल रहे थे अब जैसे अब करोना वायरस आ गया कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत सारे प्लान जो हैं वो चेंज हुए तो उनके रेफरेंस में देखें तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं इन्वामेंटल अनसर्टेनिटीज होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं नए नए वेज ढूंढने पड़ते हैं टू वर्क और से आजकल भी नए वे और वर्क को ढूंढा जा रहा है देन आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स उनके कॉमन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं आपको मैंने स्टेक होल्डर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना था कि कोई से भी ऐसा इंडिविजुअल या आप समझ लो जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक हो वो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं आ, अब जैसे शेयर होल्डर्स जो हैं उनका भी एक स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कस्टमर्स हैं उनका स्टेक है सप्लायर्स उनका स्टेक है और जितने भी आपके इम्प्लॉयज़ हैं उनका एक स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कोई ना कोई लिंक है दे ऑल आर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स देन दीज आर द लर्निंग आउटकम्स इसमें ये सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोगों के हैं एंड ऑम इम्पोर्टेंट और सिम्बोलिक व्यू ये दो तरह के व्यूज हैं और मैनेजर्स जिसके अंदर दो इन दोनों व्यूज में द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर एक तो ये व्यू है एंड देन द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटर्म बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजर्स <स्थी> इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स जो भी जो आपका ओमनीपोटेंट इम्पोर्टेंट व्यू है वो ये बता रहा है कि जो मैनेजर्स हैं उनका जो दे, आ, दे आर वही अच्छे होने चाहिए और दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल उनकी जितनी अच्छी लीडरशिप होगी जितना अच्छा उनका रिस्पॉन्स होगा सो ऑम व्यू इज़ अबाउट दट ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल के वही रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वो जिस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे वही ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होंगी और वही ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस देंगी और अगर उनकी पॉलिसीज खराब होती हैं या उनकी पॉलिसीज किसी भी वजह से मैनेजर्स uh, की खराब हो जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ेगा तो इस व्यू मुताबिक मैनेजर्स को बहुत ज्यादा आपके आ, 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 स्ट्रॉन्ग uh, होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सेंसिटिव uh, और सारा जो ब्लेम है क्योंकि एट दी एंड वो मैनेजर uh, के ऊपर आने वाला है अब आप में से कुछ लोग होंगे कि वो इस uh, इस व्यू के ऊपर uh, अपना जो है वो स्टेब्लिश करेंगे कि दैट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस सो जो uh, जो थर्ड पॉइंट जिसमें बताया जा, 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 जा रहा है कि मैनेजर्स आर हेल्थ अकाउंटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस येट इट इज डिफिकल्ट

के के मैनेजर्स ही रिस्पांसिबल हैं अगर वो एक्सपीरियंस्ड होंगे तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम कर सकेंगे या जो अगर वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे वो क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे तो ही वो सक्सेसफुल होंगे या वो मैनेजर्स जो हैं वो जितने कैपेबल होंगे वही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए आ, कैपेबल होंगे अब ये समझ लो ठीक है अच्छा यमॉर्टेंट व्यू को आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना अगर हम, हम आप, आप,

ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को की uh, पॉलिसीज को चीज़ों को और ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल इफेक्ट करती हैं सो तो जो ये वाला सक्सेस और फेलियर का जो है मैार uh, वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा है uh, बजाय के मैनेजर्स uh, के ऊपर ही आप उसको ब्लेम करें कि मैनेजर ही को ब्लेम करें कि उसकी रॉन्ग पॉलिसीज थी और uh, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान हो गया तो द एबिलिटी ऑफ मैनेचर्स टू अफेक्ट आउटकम इज इंफ्लुंस एंड कंस्ट्रेंड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर uh, उनकी uh, शामिल होती है uh, उसमें है द इकोनमी कस्टमर्स इकोनॉमी अब इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल का अगर शिकार होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से इन्फ्लुएंस करेगी अब इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार है पूरी दुनिया पूरे मुल्क के अंदर या इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन चल रही है और या इन्फ्लेशन चल रही है इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयड uh, अन्प्लॉयड लोग हैं उनके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है तो वो अपनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे दीज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स तो अब इकोनॉमी को अब सिर्फ इस वजह से नहीं देखो जैसे आजकल पेंडेमिक की वजह से आ, लोगों की आ, जो बाइंग है बाइंग पावर वो भी कम होती जा रही है क्योंकि इनकम के सोर्सेज आर रिड्यूस्ड और लोगों के जो बिजनेस हैं वो भी इतने इतने, इतने प्रॉपरली नहीं चल रहे तो जो वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो इकॉनमी जो है वो डाउनफॉल का शिकार है अब बिजनेसेस को बंद कर दिया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर आप देखो तो ग्लोबल ट्रेंड जो है वो यही चल रहा है के इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार है अगर जब इकानमी डाउनफॉल का शिकार होती है और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर चलना शुरू हो जाती है तो वह आहिस्ता आहिस्ता एक अगर वो प्रोलॉन्ग करते हैं तो वो डिप्रेशन की सूरत अख्तियार कर लेती है और जब वो डिप्रेशन की सूरत अख्तियार कर लेती है तो लोगों का परचेजिंग पावर उतनी कम हो जाती है और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं तो आ, उनकी पर, आ, उनकी परचेस में भी कमी आएगी अब जितने जिस तरह की आप मार्केटिंग बना ले, वो, आ, में या खाना पीना लाजमी है आ, अगर कोई बीमार हो जाता है उसने दवाई लाजमी लेनी है बेसिक थिंग इन बेसिक थिंग्स को हट कर वर दी लग्जरी आइटम्स हैं अगर आपकी कपड़े हैं जूते हैं आ, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशन uh, आपकी प्रोड्यूस करती है अगर वो इससे रिलेटेड हैं मोबाइल आइटम्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम्स हैं और बहुत सारी और चीज़ें आइटम्स हैं तो अगर लग्जरीज़ uh, में आती हैं वो तो लग्जरीज uh, को uh, कि जो uh, सेल है या लग्जरी आइटम्स की परचेज़ है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम हो जाएगी इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं अगर जो कस्टमर uh, आपका डिफरेंट है uh, अब अब जैसे से कस्टमर्स के अगर आप देखें तो आ, उनकी डिमांड्स के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखना होता है आ, अब उनकी चेंजिंग डिमांड्स हैं अब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा है इस वक्त और उसको नई और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो आपका कस्टमर आपने देखना है कि आपका कस्टमर किस तरह का है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट और आपकी कस्टमर जो है वो किस तरह की चीज़ को डिमांड कर रहे हैं अब तो उसके मुताबिक ही अगर वो कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन नहीं देख रहा बजाय के वो कंपेटिटर की ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं तो वो क्या करेगा वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा दैन गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं गवर्नमेंटल पॉलिसीज के अंदर आपकी मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं फिजिकल पॉलिसीज़ हैं अब अब जैसा बजट अनाउंस हुआ है Uh, तो इसके अंदर भी बजट होता है कि नेक्स्ट uh, जो है uh, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके क्या इनकम uh, सोर्सेज होंगे और क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितनी uh, uh, उनको रेज़ कर दिया जाएगा सैलरीज़ को रेज़ किया जाएगा कितनी ट्रांसफर पेमेंट्स को रेज़ किया जाएगा या कितनी uh, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको बढ़ाया जाएगा और उसके मुताबिक हमें अपने इनकम के सोर्सेज को देखना है और इनकम के अपनी इन्वेस्टमेंट uh, के सोर्सेज को देखना है तो तो उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं और दूसरी टैक्स होता है टैक्स किस तरह से जनरेट करना क्योंकि टैक्स जनरेशन जो है वो गवर्नमेंट की इनकम में आता है तो उन्होंने कितने किस हिसाब से कौन कौन से बजटेड एक्सपेंसेस हैं जिनको मीट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट नए टैक्स या नए इनकम के सोर्सेज वो जनरेट कर रही है कितनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करे तो ये पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा अब मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो बैंक्स के थ्रू रूट होती हैं और मॉनेटरी के अंदर भी आपकी इंटरेस्ट रेट्स और बाकी के जो बैंक से रिलेटेड हैं डिपॉजिट रेट्स और क्रेडिट रेट्स ये सारे आ, जो हैं वो स्टेट बैंक की तरफ से आते हैं आर आर द पॉलिसीज देयर एंड की को सामने रखे आ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बनाती है दे कुड हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंडस्ट्री इंडस्ट्री कंडीशन हैं uh, अगर आपकी इंडस्ट्री ही डाउनफॉल uh, का शिकार है तो वो भी डायरेक्टली uh, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगी इसके अंदर मैनेजर का रोल नहीं होगा मैनेजर जितना मर्जी कैपेबल हो बट एक्सटर्नल uh, फैक्टर्स आर नॉट वायबल तो वो उसको इफेक्ट नहीं कर सकेगा दैन देर आर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्नोलॉजिकली वीक एंड दे आर नॉट प्रोमोटिंग दी मोर एडवांस्ड एडवांस्ड लेवल थिंग्स तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन को uh, डाउनफॉल का शिकार होना पड़ेगा एंड द एक्शंस ऑफ द प्रीवियस मैनेजर्स अगर आपके प्रीवियस मैनेजर्स ने ही बहुत ऐसे एक्शंस लिए हुए हैं तो भी आपके लिए वो कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे अब कंस्ट्रेंट्स क्या जो पूरा है पूरा चैप्टर है दैट इज अबाउट द कंस्ट्रेंट्स के मैनेजेरियल कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं एंड देन मैनेजर का क्या रोल होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को uh, एक सक्सेस की तरफ ले जाने में तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये, ये ये व्यू शो करता है कि दैट इज द सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेजर्स सिंबलाइज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस थ्रू देयर एक्शंस तो अब ये अब इसमें सिंबॉलिक व्यू में एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और दूसरा के उसमें मैनेजर का Uh, ये पॉइंट ऑफ व्यू के वो वो तो वो एक सिंबल के तौर पर यूज़ हो रहा था और मैनेजर का मिनिमल रोल है फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो अब मैनेजर uh, ने जाहिर है कि इन चीज़ों को स्टडी किया होगा एक्सटर्नल uh, और इंटरनल इन्वामेंट्स uh, को और उनके मुताबिक पॉलिसीज़ को इस्टेबलिश किया होगा तो भी मैनेजर uh, की हो गया जो कि अमन इम्पोर्टेंट उसका एक स्टार्ट uh, है कि व्यू क्यू जिसमें मैनेजर ही होता है जिसने अगर अच्छी पॉलिसीज ना ही एनवायरनमेंट को अपने ज़हन में रखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देन इंटरनल एनवायरनमेंट को ज़हन में रखा अपने प्रीवियस मैनेजर्स की पॉलिसीज uh, को ज़हन में रखा तो उसने वो सक्सेस की तरफ लेके गया तो वो होगा आपका ओमनीपोटेंट क्यू जिसमें मैनेजर इज सक्सेस तो uh, अब अब सिंबॉलिक क्यू के अंदर के आपका बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मैयर करने के लिए या सक्सेस की रिस्पॉन्सिबल होती हैं uh, अब ये स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन uh, के लिए अच्छा साबित कर सकें या आपके लिए आ, आ, जो ऑर्गेनाइजेशन के जाहिर है कि अच्छी पॉलिसीज होंगी जो अच्छी वैल्यूज होंगी उनको पेंशन या उनको किस तरह से प्रोमोट किया जाता है जैसे बैंक फिला में आ, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा तो वहां पर एक बर्थडे का आ, ट्रेंड था के हर एम्प्लॉ की बर्थडे के ऊपर एक मिठाई का डब्बा आया करता था और कार्ड आया करता था कि जो उनकी वैल्यूज थी वो उनको प्रमोट कर रहे थे देर वर द सिंबल्स क्या सिंबल्स थी होती हैं और जिनको प्रमोट किया जाता है जैसे मैं उसी की एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको बैंक फिल्ह की उसके अंदर जिस तरह प्लांट्स होते हैं ये जो कलर स्कीम उनकी चल चला करती थी उस वक़्त वो ब्लू थी अब वो रेड हो चुकी है अब वो रे, रेड कलर जो है साथ में बैंकलफिला का उनका एक लोगो जो उनको उसके ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर ये चीज़ शो होगी जो सिम्बल्स हैं और जो की चीज़ें हैं और जिस तरह के प्लांट्स या जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है वो भी सारे उनकी उनको डिस्प्ले होंगी उनके ब्रांचेस के अंदर और फिर देन रिचुअल्स हैं रिचुअल्स uh, के ऊपर जिस तरह से स्टोरीज चलती हैं अब uh, हमारे से पहले एक मैनेजर थे या हमारे से पहले एक एम्प्लॉय थे उन्होंने इस तरह से काम किया था और uh, उनको ये रिवॉर्ड्स दिए गए थे और uh, उनको इस तरह से किया गया था या कुछ ऐसे मैनेजर्स थे जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया था उनको किस तरह से डी किया गया था तो इस तरह के जो रिचुअल्स हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस्टेबलिश करती हैं दैन मिथ्स मिथ क्या है कि अगर मिथ सब ये जैसा कि आप कुछ भी सोच लो कि हाँ ये जो मैनेजर ने कहा है तो इसका मतलब यह है या मैनेजर का आज मूड ऑफ है तो आज तो सबकी धुलाई होने वाली है तो मिथ है कि या अगर इस तरह का अगर बिहेवियर करते हैं सीनियर्स तो इसका मतलब ये होता है तो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू हो जाते हैं तो ये मिथ्स हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा ही हो जाता है तो और यह या एक प्रमोशन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज यूं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन को ये इफेक्ट्स हो सकते हैं तो एंड प्रैक्टिसेस क्या क्या प्रैक्टिस में चल रहा है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं नए चीज़ों को करने की आपको इस्टेब्लिश रूल्स दिए जाते हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड ही रह जाते हैं लेकिन उनके ऊपर प्रैक्टिकली क्या फॉलोइंग नहीं हो रही होती बल्कि प्रैक्टिकली डिफरेंट होती हैं चीज़ें तो बुक प्रैक्टिस क्या चीज़ है प्रैक्टिस क्या चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगी इम्प्लीकेशन क्या है कल्चर इज़ कल्चर इज़ परसेप्शन एंड द कल्चर इज़ शेयर एंड कल्चर इज़ डिस्क्रिप्टिव वो उसको डिफाइन किया जाता है डिस्क्राइब किया जाता है कि दिस इज़ दर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड दैन उसको शेयर किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स जो हैं वो उसको परसीव करते हैं ये इसकी इम्प्लिकेशन है और जैसा कि जिस तरह उस चीज़ों को परसीव करते हैं वो उसको प्रोमोट भी करते हैं नाउ दीज आर दैवन डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और यही इसका मेन थीम है uh, आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का कि उनके सेवन डायमेंशनस दी गई हैं इनके ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मैयर करना है सबसे पहले जो है अटेंशन टू डिटेल कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो कितनी डिटेल फोकस्ड हैं कितनी चीज़ों को पॉलिसी अगर दी जाती है उसको कितना डिटेल्ड स्टडी करते हैं और स्टडी करके उनके अंदर उसको कि, किस तरह से परसीव करते हैं या सिर्फ हेडिंग्स देखते हैं हेडिंग्स देख के खुद ही सेम कर लेते हैं कि इसके अंदर ये लिखा होगा अब, अब डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल अब वो कितना एनालिसिस करते हैं एम्प्लॉयीज़ जो हैं उनको जो भी दी जाती है वो कितना इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं आप जैसे आपको टारगेट्स दिए गए हैं टारगेट्स एक मैनेजर के पास टारगेट्स हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रमोट करना है तो अब उन टारगेट्स के मुताबिक वो कितना कंपेटिटर को स्टडी करके और कितना कस्टमर को स्टडी करके और जितनी कितना अपनी कैपेबिलिटीज़ को स्टडी करके नई पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे कि उन्होंने ये टारगेट को कंप्लीट करना है तो कितना वो अटेंशन टू डिटेल देते हैं या कितना वो सुपरफिशियल बात करते हैं तो एक ये पॉइंट हो गया जो कि सेवन डायमेंशंस का है देन आउटकम ओरिएंटेशन कितना आ, अब, अब इसके अंदर दो पॉइंट है एक आउटपुट ओरिएंटेशन है और एक आपकी आउटकम ओरिएंटेशन है आउटपुट होती है कि आपका आउट out, आउटपुट uh, होना है जिससे इनपुट होती है कुछ कुछ हम इनपुट देते हैं जिसके बाद हम आउटपुट जनरेट करते हैं आउट uh, अगर आपको uh, आपने थ्री एज ए इनपुट यूज़ किया प्लस थ्री एज ए इनपुट यूज़ किया तो आउटपुट आपका सिक्स होना चाहिए ठीक है थ्री एंड थ्री इज इक्वल टू सिक्स आउटपुट लेकिन अब सिक्स आइटम्स आपकी अगर प्रोड्यूस हुई हैं तो वो कितनी क्वालिटी आइटम्स हैं तो वो कितनी क्वालिटी को को फोकस करते हैं दैट इज़ आउटकम ओरिएंटेशन कि कितनी क्वालिटी को सामने रख के यानी कि सिक्स आइटम्स में कितनी क्वालिटी है जो कि प्रोड्यूस हुई हैं अब जैसे के जो सिक्स आइटम्स हैं हो सकता है कि वो सारी क्वालिटी आइटम्स ना हो उसमें से फोर क्वालिटी आइटम्स हैं जबकि जो फोर टू जो हैं बीच में वो बिलो क्वालिटी हैं एक स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो अगर ऑर्गेनाइजेशन तो का गोल है कि हर तरह की आउटपुट ही एक्सेप्टेबल है तो वो उसका सिर्फ आउटपुट ओरिएंटेशन होगा कि वो सिक्स के सिक्स को दे रहे हैं या सिक्स के सिक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अगर वो दो आइटम्स को रिजेक्ट कर देते हैं फोर आइटम्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उनका उनकी आउटपुट ओरिएंटेशन नहीं होगी बल्कि उनकी आउटकम ओरिएंटेशन होगी ठीक है जिसमें वो क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं अब पीपल ओरिएंटेशन कितनी है लोगों के साथ कितना उनका आपका इंटरेक्शन है अब लोगों को ऊपर आप जैसे इम्प्लॉयज़ हैं वो वो लोगों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं या काम को इम्पोर्टेंस देते हैं ठीक है ये दो चीज़ें हैं पीपल को और ये पीपल को कितनी तोज्ह देना या सिर्फ काम की तरफ तोज्ह देना अब दिन रात लगाओ और काम मुझे चाहिए तो आपके काम के ऊपर ज़्यादा फोकस है या आप एट आवर्स में जितना आप कर सकते हो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उसको प्रोड्यूस कर लो बाकी का काम कल कर लेना दैट इज़ पीपल ओरिएंटेशन तो डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑन पीपल हिंदी ऑर्गेनाइजेशन कि उसके इफेक्ट्स भी देख रही है उनको इंसान भी समझ रही है कि उनको ये भी देख रही है कि ठीक है काम इम्पोर्टेंट है और लेकिन मैनेजर्स की भी कुछ डिस्क्रिशंस हैं कि वो आठ घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते या दस घंटे से भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते उनको भी रेस्ट चाहिए और उनको उनकी फैमिली है और उन्होंने फैमिली में जाके काम करना है और फैमिली में फैमिली भी उनके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि काम है और ये सारी जो है वो पीपल और ये लीडरशिप की तरफ से आती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाती हैं देन हम आते हैं टीम की तरफ कि टीम क्या चीज है डिग्री टू विच वर्क इज ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल्स अब हम एक काम देते हैं लीडर एक काम देता है इम्प्लॉयज को और उनको कहता है कि आप इस चीज़ को दो दो, दो इम्प्लॉयज को देता है कहते हैं के कि आप दोनों में से जो करके आएगा ना जल्दी करके लाएगा तो उसका जो है काम वो ही विनर होगा अब और लीडर ने क्या किया कि दोनों के अंदर कंपटीशन को हवा दी अब दोनों एक दूसरे की दौड़ में लग गए कि मैं जल्दी करूँगा मेरा एक्सेप्टेबल होगा मुझे उसके इंसेंटिवस मिलेंगे या अगर आप एक ये व्यू है, है ये इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ कंपटीशन की हवा को सामने देन, आ, देना और एक व्यू है आप दोनों इम्प्लॉज़ को बुलाते हैं और आप कहते हैं कि आप दोनों इसके ऊपर अपनी मेहनत से काम करें कुछ ये काम कर ले कुछ आधा काम ये कर ले अब ऑर्गेनाइजेशन का काम ये आ, का जो गोल था वो तो काम लेना था तो और टाइमली काम लेना था अब जिस तरह से दोनों मिल के काम करेंगे तो ज़हरा के वर्क के लोग डिवाइड हो जाएगा और दोनों की ही अप्रीसीशन होगी ना कि एक की एप्रिसिएशन होगी दोनों मेंबर्स को इक्वली रिवॉर्ड भी किया जाएगा इक्वली जो है उनकी इम्पोर्टेंस जनरेट होगी और इसका जो काम है वो टीम वर्क में शामिल होगा अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी कंपटीशन फोकस्ड है और कितनी टीम ओरिएंटेड है, तो ये यह यहाँ पर इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है एंड देन देयर इज देन एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस क्या चीज़ है डिग्री टू विच इम्प्लॉइज आर अग्रेसिव एंड कंपेटिटिव रैदर दैन कोऑपरेटिव अब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर कितनी अग्रेशन पाई जाती है ज़ाहिर है कि अभी हमने जैसे और टीम ओरिएंटेशन के बारे में बात की तो उसके अंदर भी हमने ये कहा कि अगर टीम वर्क होगा तो एक कॉपरेशन की फिजा ज़्यादा अच्छी पाई जाएगी लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करेंगे कि उनको एक दूसरे से मुकाबला नहीं है कंपटीशन नहीं है बल्कि उन्होंने एक काम को परफॉर्म करना है और सबने मिल करना है तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना अग्रेशन है लोग कितना आपके साथ कॉपरेट करते हैं आपस में जितना कॉपरेट करते हैं और एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं और हेल्प करते हैं कि एक अच्छी इन्वामेंट को प्रोड्यूस किया जा सके कितना वो लोग एग्रेसिव हैं ठीक है अग्रेसिव एग्रेशन का जो है स्टैंडर्ड वो आपकी कंपेटिटिवनेस के ऊपर या कॉपरेटिवनेस uh, के ऊपर आएगा अगर मिलकर काम करते हैं तो वो कॉपरेटिव होंगे अगर इंडिविजुअल काम करते हैं एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर बढ़तरी लेने के लिए काम करते हैं तो वो कंपटीशन या फोकस्ड होगा तो ये है अग्रेसिवनेस का ये मतलब है ना अब हम आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर वट इज दिलिटी अब ये डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर एंड एक्शन एम्फेसाइज द स्टेटस को अब कितनी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है अब जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कितनी कितनी इस्टेब्लिश हैं और उनके ऊपर अग्नि कि हर रोज़ पॉलिसी चेंज हो रही है और पॉलिसी चेंज होने के बाद हर एक में एम्बिगटी पाई जाती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है तो कितनी स्टेबल हैं पॉलिसीज़ और कितना ये स्टेबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी पॉलिसीज़ के अंदर तो वो उसकी लेके आती हैं उसकी ज़िम्मेदार होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के को वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी का मैार उसमें ज़्यादा अगर वो स्टेबिलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के अंदर तो एम्प्लॉज़ के लिए भी वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगी अब हम बात करते हैं इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग का जो ताल्लुक है वो डिग्री टू विच एम्प्लॉज आर इनक्रेज टू बी इनोवेटिव एंड टू टेक रिस्क अब उनको कितना इनक्रेज किया जाता है एम्प्लॉज को कि वो रिस्क लें और रिस्क लें और और उनका जैसे उनको कितना कितना एम्पावर किया जाता है एम्पावर किया जाता है और इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है और जो भी कोई उनकी तरफ से सुजेशन आती हैं उनको भी हाईलाइट करके उनके ऊपर भी काम किया जाता है अब कितना यह जहर है कि आप जितना आप उन एम्प्लॉज़ को इनक्रेज करेंगे उतना ही वो फोकस्ड होना शुरू हो जाएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे और उसको प्रमोट करने के लिए जाहिर है उन्होंने सारा फोकस उनका यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे तो जितना इनोवेटिव आइडियाज़ को कितना वो प्रमोट करती है और आपके सुजेशन को या ज़हर क्या एक कस्टमर के साथ जो डायरेक्ट लिंक है वो इम्प्लॉइज़ का होता है तो इम्प्लॉइज़ को किस आ, आ, वो कस्टमर का जिस तरह का बिहेवियर देखते हैं उसको कन्वे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को तो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स जो हैं उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और जिस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपका इनोवेशन एंड अंडस्टेकिंग के फैक्टर्स में आता है कि अगर आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं जहरा कि इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जबकि अगर उसको डिस्करेज करते हैं तो और कहते हैं कि नहीं जो हम लोग कर रहे हैं वो वही बिल्कुल ठीक है तो वो इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग वाली नहीं है बल्कि रिस्क एवॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सेवन डायमेंशंस हैं कल्चर की जिसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है और अपने इसके इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी आपने अपनी uh, जो है uh, एक असाइनमेंट uh, जो कि एक्टिविटी की सूरत में होगी उसको कम्प्लीट करना है Uh, आज का लेक्चर मैं इधर ही क्लोज uh, करती हूँ uh, बाकी जो बात है मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी सो थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज्लास यू विलू सी सेवन डायमेंशन ऑफ द कल्चर

Uh, तो आप उसको ना इन सब चीज़ों के ऊपर मैयर करो जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है अटेंशन टू डिटेल जो है वो हाई देती है और अटेंशन टू डिटेल एक लो देती है ठीक है आउटकम ओरिएंटेशन पीपल ओरिएंटेशन ठीक है आप इसको uh, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो कि जिस तरह से आपका एक घर का एक कल्चर है uh, हर एक के uh, घर में एक ख़ास तरह का कल्चर होता है और हर एक के घर का कल्चर डिफरेंट होता है तो आपने करना ये है कि आप अपने घर के कल्चर को ले लें या अगर आपके फ़ादर की कोई शॉप है तो आप उनके साथ बैठ के अपना ये डिज़ाइन कर लीजिए ये जो असाइनमेंट है इसमें आपने सबसे पहले अटेंशन टू डिटेल के बारे में अंडरस्टैंड करना है टू टू थ्री लाइंस लिखनी है के और जिस आप पापा के साथ बैठ जाएं अपने अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी और उनके साथ एक कंपैटिटर की दोनों की जो है उनका कंपैरिजन कीजिए जिस वो कंपनी में काम करते हैं और जो उनका एक कंपैटिटर है उनसे थोड़ा सा आप ये इन पॉइंट ऑफ पॉइंट्स के उनके साथ डिस्कस कीजिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस का किस किस्म का कल्चर है और इन पॉइंट्स के ऊपर आपने उसको हाई और लो को दोनों को डिफाइन करना है सबसे पहले आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि अटेंशन टू डिटेल ये होता है और अब आप मुझे ये बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ये होगा हाई होगा या लो होगा तो आपने ये पूरी डिटेल लिखनी है अबाउट टू uh, एक हल्की फुल्की सी एक असाइनमेंट है आपकी और इस असाइनमेंट की जैसे ये मुझे मिलती है तो उसके ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी तो आप लोगों की अटेंशन uh, और आपकी थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड होगी तो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड स्ट्रोंग वर्सेज अवीक कल्चर स्ट्रोंग कल्चर्स आर कल्चर्स इन विच की वैल्यूज आर डीपली हेल्प अब यहाँ पर देखिएगा कि uh, जो वैल्यूज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की आपकी uh, आपके घर का भी जैसे एक खास किस्म का कल्चर होगा तो उस ख़ासन के कल्चर के अंदर अब अगर आपके फादर जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अबाउट योर इनकमिंग्स एंड आउट गोइंग्स आप किससे बात करते हैं किसे नहीं करते हैं आप किस आप कितनी देर पढ़ते हैं आप कितनी देर टीवी देखते हैं कितनी देर मोबाइल यूज़ करते हैं और आप अपनी मदर के साथ कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हाथ बटाते हैं या या कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये क्या है एक स्ट्रॉग कल्चर है अगर आपके फादर का बहुत ज़्यादा होल्ड है और वो अपना इस चीज को एड्रेस करते हैं या हर रोज या टाइमली इसको मॉनिटर करते हैं तो दर्गे हैव या वो घर जो हैं Um, uh, वो स्ट्रॉन्ग कल्चर के ऊपर बेस होंगे एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स और उन सब का आपके जो अगर फादर की ऐसी जो भी uh, uh, होगी आपके uh, जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके ऊपर भी स्ट्रॉन्गली इंफ्लुएंस करेंगी फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग स्ट्रेंथ ऑफ कल्चर फैक्टर्स अब कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कल्चर साइज कितना बड़ा है कितनी कितनी पुरानी हो चुकी है Then rate of employees rate of employees होता है होता आपको organization employees छोड़ के जाते हैं और कितने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कल्चर स्ट्रेंथ कितनी है जो आपकी ओरिजिनल कल्चर है क्लैरिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स अब यानी कि सारे मेंबर्स के ऊपर के साथ जो क्लैरिटी कितनी है कितने लोग जानते हैं कि आ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या वैल्यूज़ हैं अच्छा अब जिस तरह से एक कंपनी है गुजरावाला के अंदर आ, आप आस, आस कर लो बॉस कंपनी है उधर हर वक्त जॉब ओपनिंग्स रहती हैं जब जाओ तो वहाँ पे जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो कि, किसी भी मंथ में अब उसका आ, ये है कि वहाँ पे उनका टर्न ओवर रेट बहुत ज़्यादा है जो इम्प्लॉज़ टर्न ओवर है वो हर वक्त कोई ना कोई उनको छोड़ के जाता रहता है आ, अब इस बात से आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भी जाता है उसको जॉब मिल जाती है अब इस तरह की फीडबैक आना मार्केट से कि अब जब जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे उनके पास कमी रहती है यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉज हैं वो रिटेन नहीं करते और रिटेन करने का मतलब है कि उनके एक्स्ट्रा वर्क लोड दिया जाता है और एक्स्ट्रा वर्क लोड की वजह से सब लोग उनसे भाग जाते हैं तो ये क्या है कि रेट ऑफ एम्प्लॉ टर्नओवर ओवर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है यानी कि आप लोग आप जाएंगे आपको जॉब तो मिल जाएगी लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पर स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे सो so, क्योंकि काम की नोयत बहुत डिफरेंट है उधर और ट्वेंटी फोर आवर्स के दरमियान में फिर हाल में काम होता है और डिपेंड करता है तो अब इस उस तरह से अगर बॉस जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट और बॉस जो है आपको जो है ऑर्गनाइज एम्प्लॉज़ को हर वक्त काम के ऊपर ही फोकस करते रहें तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो आपके सामने आता है जो कि एक और एक तरफ एक कल्चर आता है जिस तरह के मल्टी नेशनल हैं जो कि एम्प्लॉज़ का बहुत ख्याल रखती हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि अपने इम्प्लॉज़ का मैक्सिमम उन ख्याल रखा जाए और उनका आ, और उनकी केयर की जाए उनको एक्स्ट्रा वर्क वर्कलोड ना दिया जाए और बल्कि अगर उनको कोई डिप्रेशन हो जाती है तो उसके अंदर भी उनकी काउंसलिंग के लिए लोग मौजूद होते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में सब इम्प्लॉज़ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा है जिसके अंदर लेग पुलिंग होती है कंपटीशन की फ़जा होती है और लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं कोई डिसीजन मेकर जो है वो दूसरे की बात सुनना भी पसंद नहीं करता सो so, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर हैं आपने इसके ऊपर बेनिफिट्स ऑफ ए स्ट्रोंग कल्चर क्रिएट ए स्ट्रोंगर इम्प्लॉय कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन अब जिस तरह का स्ट्रॉन्ग होगा अब जैसे मल्टानेशनल का कल्चर जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है उनका टर्न ओवर रेट भी उतना ही लो होता है लोग वहाँ उस उस जगह को छोड़ना ज़्यादा छोड़ना पसंद नहीं करते छोड़ के नहीं जाते वो कहते हैं कि हम लोग इधर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे उनको इन्वायरमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया जाता है उनकी केयर की जाती है और उनकी केयर करने के बाद उनके उनके साथ आ, साथ उनके वालदान का भी जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मेडिकल फैसिलिटी भी वालदे के लिए देती हैं आपके लिए तो देती ही देती हैं लेकिन साथ में आपकी फैमिली के, के लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती हैं और अब इस तरह की जब सहूलियात आपको एक एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड से मिल जाएँ तो वो वहाँ से छोड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते और वहाँ पर आपका लॉयल हो जाते हैं अब बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर में अब एड्स इन दी रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉज अब एयर जिंदी रिक्रूटमेंट अब जैसे वहाँ पे लोग अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जॉब करना पसंद करेंगे और उधर का वहाँ पे यानी कि आपकी का रिक्रूटमेंट के लिए बहुत लंबी लाइनें होंगी लोग उधर जॉब करना अपना एक ड्रीम समझ रहे होंगे फॉस्टर्स हायर ऑर्गनइजेशनल परफॉर्मेंस अब उसकी मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपो बिल्डअप हो जाएगी और उसकी जो परफॉर्मेंस है आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स के साथ पास भी जब ये रेपो शेयर होगी तो उनका जो रुझान है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर वो सरय सर्विस ओरिएंटेड है तो उनका उतना ही ज्यादा हो जाएगा अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होते हैं अब जैसे मैंने भी पहले स्लाइड्स में मेंशन किया कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो फाउंडर्स हैं उनका विजन और उनका मिशन ये जो है दीज आर दोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है वो सिर्फ प्रॉफिट को मद्देनजर रखकर अपनी हर तरह की पॉलिसीज़ बनाती है और इम्प्लॉज़ को स्ट्रेस देने से भी नहीं घबराती और इम्प्लॉइज़ का ज़्यादा टाइम लेने से भी नहीं घबराती है अब ये लोग तो मजबूर हैं और अभी आपके लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं एक तरह से गुलामों वाला ट्रीटमेंट करना तो एक ये है और दूसरी तरफ ये है के इम्प्लॉ इम्प्लॉज़ uh, की भी केयर की जाती है और सोसाइटी uh, की किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और सोसाइटी ओरिएंटेड कम्युनिटी ओरिएंटेड ह्यूमन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो ए, वो उनका एक विज़न होता है विजन uh, uh, ये होता है कि आप uh, एक बड़े लेवल पर प्रॉब्लम uh, को सॉल्व करें और एक मिशन होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आ, आ, किस तरह की हमत अमली अपनाते हो आ, जिस तरह के क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करते हो क्योंकि आपने ए, उस की या उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अब आ, जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स होंगे उनकी वैल्यूज़ उनका मिशन और उनका विजन जो है वो असल में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्डअप करेगा तो विजन जिस तरह का होगा अगर सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होगा और उसकी वजह से जो इम्पेक्ट है वो हाई टर्न की रेट में आपको नज़र आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई टर्न है लोगों की केयर नहीं की जाती और उसकी रेपोटेशन जो है मार्केट के अंदर वो भी अच्छी नहीं जा रही तो अब सेकेंड पॉइंट है पास्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर द वे थिंगस हैव बीन डन किस तरह से चीज़ें चलती रहीं uh, पास्ट में किस तरह की चीज़ें चलती रहीं यानी कि बिहेवियर्स क्या रहे और उनके ऊपर क्या रिएक्शंस दिए गए तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर बिल्डअप होगा वो इसके ऊपर बेस करके बनेगा एंड द बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट अब टॉप मैनेजमेंट आपके साथ किस तरह से बिहेव करती है आपकी आपकी इनोवेशन को आपकी सजेशन को इनकेज करती है कि नहीं करती आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है आपको कितने Uh, कितना ख्याल रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो उसकी टॉप मैनेजमेंट का आपके साथ क्या बिहेवियर है एंड देन कंटिन्यू कॉन्टीन्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और कॉन्टीन्यूस uh, कितना है ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि आ, ये एक दिन की बात नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बिल्डअप करने के लिए आ, आपको सालों लग जाते हैं एज के साथ साथ प्लस आपकी ग्रोथ प्लस आपकी डेवलपमेंट सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बिल्डअप करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ लाइक माइंडेड एम्प्लॉयज़ हु फिट अब ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्प्लॉज़ उनको पता होता है कि हमारे पास इस किस्म के इंप्लॉयज़ हैं और इस किस्म की इम्प्लॉयज़ के साथ कौन से इम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिट करेंगे फिट इन होंगे क्योंकि अगर लाइक माइंडेड इम्प्लॉइज़ नहीं होंगे तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो ऐसे ही इम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फिट हो जाएँ और ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉयज़ के साथ भी पूरी तरह से फिट हो जाए तो लाइक माइंडेड इंप्लॉयज़ होंगे तो वो आपके uh, अच्छी इन्वामेंट प्रोड्यूस करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा कल्चर प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होंगे ऑफ न्यू टू टू हेल्प कल्चर अब सोशलाइजेशन जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी एक फैमिली डिनर अरेंज uh, करते हैं जिसमें सारे इम्प्लॉयज़ अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते हैं और फैमिलीज फैमिलीज की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और सोशलाइज करते हैं एक सोशल uh, एक फैमिली uh, गैदरिंग्स के थ्रू आपकी आपस के अंदर uh, या इंप्लॉइज़ के इनफॉर्मल सेटिंग्स uh, या सोशलाइजेशन जो है उसको इनकरेज किया जाता है और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिस तरह से नाइट डिनर्स या पार्टीज कर लें वीकेंड पार्टीज़ दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अब सब फैमिलीज़ को इनवाइट किया जा रहा है और किसी न किसी बात पे इंक्रेजमेंट के लिए रिवार्ड्स के लिए या कुछ भी तो ये सोशलाइजेशन का एक बहुत अच्छा है कि और ये ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा कल्चर बिल्डअप करते हैं क्योंकि बच्चे बच्चों के दोस्त इम्प्लॉइज़ के बच्चे जो हैं उनके दूसरे एम्प्लॉयज़ के बच्चों के दोस्त बन जाते हैं बेगमा बेगमात जो हैं उनकी वो भी आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करने लगती हैं तो एक अच्छा कल्चर नज़र आने लगता है अब जैसे कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी इस तरह का कल्चर पाया जाता है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है एक कम्यूनिटीज जैसे जैसे कैंट का एरिया है उधर उनको दिया जाता है और वहाँ पे सारे आपस में एक दूसरे के दूर दूर से आए होते हैं लेकिन उनका एक कल्चर शेयर्ड कल्चर है और एक सोशलाइजेशन uh, का एक ख़ास तरीका है लोग एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो अपने उनको ऐसे ही महसूस होता है कि आप अपने रिश्तेदारों से ही मिल रहे हैं क्योंकि मोर और लेस आपके सबके जो फैमिली uh, के स्ट्रक्चर या फैमिली का जो कल्चर है uh, वो सेम होता है तो वहाँ पर उधर फ्रेंडशिप्स भी ज़्यादा होती हैं और उनका सोशलाइजेशन करने का भी जो तरीका है वो भी यही होता है सेम होता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये uh, जो है उसके थोड़े से पॉइंट्स हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा वैल्यूज़ uh, अब जैसा स्ट्रॉन्ग कल्चर में वैल्यूज़ वाइडली शेयर्ड यानी कि हर एक एम्प्लॉई पीएन तक को या पीएन से भी कोई नीचे है uh, या कस्टमर्स हैं उनको तक उन सबको पता है कि क्या वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको कि किन चीज़ों की प्रमोशन दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चीज़ आती है और उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो कस्टमर की कंप्लेंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है अब uh, कस्टमर की कंप्लेंट को एट हैंडल किया जाता है कितने मिनट्स में हैंडल किया जाता है कितने uh, कितने दिनों में हैंडल किया जाता है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट प्लस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इफ़ दे आर स्ट्रॉन्ग तो फिर वो अपनी उनकी शेयर्ड होंगी और वो आपको फटाफट से आपकी आपकी कंप्लेट का रिस्पांस किया जाएगा तो इसका मतलब है कि वैल्यूज आर वाइडली शेयर्ड और हर एम्प्लॉय को पता है एट ग्रास रूट लेवल कि अगर इस किस्म की प्रॉब्लम आ गई कस्टमर के साथ तो उसको किस तरह से डील करना है और उसको किस तरह से खत्म करना है तो ये सारी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज जो है वाइडली शेयर्ड है देन वीक आर द वैल्यूज लिमिटेड टू ए फ्यू पीपल थोड़े से लोगों को पता होंगी मैनेजर्स को पता होंगी लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पर पे लेवल पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इम्प्लॉज़ को कहेंगे कि मैनेजर के पास जाएं मैनेजर को कहेंगे अपने अपर लेवल मैनेजर के पास जाएं अब हेड ऑफिस में रिपोर्ट करें अब रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करें अब यानी कि इतनी लंबी हरार होती हैं कि किसी को पता ही नहीं होता कि हमने जाना किधर है इस कंप्लेन को किसने सॉल्व करना है तो जो वीक कल्चर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होती और इम्प्लॉज को भी ग्रास रूट लेवल पर अगर उनके पास कंप्लेन आ जाती है तो उनको पता नहीं होता कि ये किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए कल्चर्स कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट वर्ट्स इम्पोर्टेंट अब कल्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो हमेशा ये मैसेज देता है के, क्या इम्पोर्टेंट है अगर आपको कस्टमर कस्टमाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है तो वो कस्टमर इज मोर इम्पॉर्टेंट अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड है तो प्रोडक्ट की सेलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट तो आपकी सिर्फ सेलिंग होनी चाहिए नो नीड टू वरी अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट uh, कितने स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट ये उनको मैसेज ज्यादा रहता है कि इंपॉर्टेंट क्या है देन मोस्ट इंप्लाइज कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनीज हिस्ट्री एंड हीरोज अब जो स्ट्रॉन्ग कल्चर्स होते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन के वो एक दिन में मैंने आपको बताया था कि ये नहीं कल्चर बिल्डअप होता बल्कि टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स के एक टेन ईयर के अंदर चीज़ों को बिल्डअप किया जाता है और उनके अंदर फिर स्टोरीज़ होती हैं हिस्ट्रीज़ होती हैं कि एम्प्लॉयज़ की उनके सीनियर्स की सबकी हिस्ट्रीज़ होती हैं दैन इम्प्लॉज स्ट्रॉगली आइडेंटिफाई विद कल्चर और उनके जो कल्चर को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं दैन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स और उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जो भी आप की वैल्यूज को शेयर किया जाता है और इम्प्लाइज uh, के जो बिहेवियर्स होते हैं वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर कल्चर सेंड्स कॉन्ट्रोडिक्टी मैसेजेस अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट किसी को पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है और अगर कोई कंप्लेन आ गई है अगर कोई अच्छा बुरा फीडबैक आ गया है कस्टमर्स की तरफ से इम्प्लॉयज़ की तरफ से उनको नहीं पता होता कि व्हाट टू डू इन दैट स्टेट तो uh, ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अबाउट ही उनको पता ही नहीं होता इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट uh, प्रॉफिट है इंपॉर्टेंट कस्टमर है इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट इम्प्लॉय सेटिसफैक्शन है इंप्लॉय कस्टमर सेटिसफेक्शन है एंड इंप्लॉयज़ हैव लिटल नॉलेज ऑफ कंपनीज हिस्ट्री और हीरो उनको पता ही नहीं होता क्योंकि एक बिल्कुल हौश सी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी को पता ही नहीं कि उनके कोई हीरोज थे या हिस्ट्री क्या है हैव आइडेंटिफिकेशन विद कल्चर उनको पता ही नहीं होता कि कल्चर कैसा है लिटल कनेक्शन बिटवीन शेयर वैल्यूज एंड बिहेवियर्स उनके जो एम्प्लॉय के आपस में जो शेयर वैल्यूज हैं या जो के टॉप लेवल से आ रही हैं तो उनका भी लिटल कनेक्शन होता है थोड़ा सा कनेक्शन होता है उनके साथ एंड देन हाउ लर्न कल्चर स्टोरीज़ रिचअल्स मटेरियल सिंबल्स, जिसका मैंने जिक्र पहले किया था कि किस तरह के प्लांट्स हैं किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर ट्यूबलाइट भी लगेगी तो उसकी भी एक ख़ास तरह की है कि उसी तरह की लगेगी तो लैंग्वेज़स किस तरह की पंजाबी बोली जाती है उर्दू बोली जाती है इंग्लिश बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है लेकिन इन कन्वर्जेसन लोग किस तरह की बात करते हैं सुबह सुबह उठते हैं uh, ऑफ़िस के अंदर आते हैं तो क्या चीज़ें करते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं अखबार पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ गप लगाते हैं या बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको uh, uh, के कल्चर के अंदर नज़र आती हैं अब uh, बहुत सारी ऑर्गनइजेशन में सबसे पहले एक घंटा जो है नाइन अगर नाइन ओ ऑफिस स्टार्ट होता है नाइन टू नाइन टू टेन जो है सारे चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं अखबार के बाद जो जो भी मैंने न्यूज़ हैं आ, उनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद फिर कुछ इसमें से ते हैं वो सुबह सुबह करते हैं या कुरान हैं या पाक पढ़ते नजर आते हैं, और उसके बाद फिर न्यूज़ को के, आपस में वो अपने स्टार्ट करते हैं और गपशप लगाते हैं आपस में और एक अच्छा हेल्दी कल्चर को प्रमोट करते हैं तो ये कुछ स्टोरीज हैं कुछ रिचुअल्स ये सब चीजें मिलकर बिल्डअप करती है क्या-क्या हैं एंड व्हाटएवर मैनेजेरियल इलेक्शंस द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज एज प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऑन इट्स बिहाफ अब कल्चरल कल्चरल कंस्टिट्यूएंट्स हैं कि क्या मुश्किलात होती हैं कि एम्प्लॉइज कैन पे ऑन मैनेजर्स व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड एनकरेजेस अब यहाँ पे आप देखें कि कल्चर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं अब हर एक की है कि, 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 कि प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल्स की अगर उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाएगा कि इन चीज़ों को इस तरह से हैंडल करना है तो वो एं मैनेजेरियल एंड पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी हर कोई अपनी एक प्रॉब्लम को एक अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो ये मैनेजर के ऊपर चला जाएगी सारी बात यानी कि अगर सिर्फ़ एक जगह पर मैनेजर अच्छा है तो कस्टमर उसके साथ खुश हैं जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन से नाराज़ हैं तो तो अब वो मैनेजर जहाँ पर मूव करेगा तो कस्टमर्स भी उसके उस मैनेजर के साथ मूव कर जाएंगे तो अब ये मैनेजर के ऊपर है या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है अब मैनेजर जो है उन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहा है लेकिन वो अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तो कस्टमर उसका ही दीवाना हो जाता है तो ओवरऑल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये हर इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन uh, के एम्प्लॉज़ को फेस uh, करनी पड़ती हैं अब सिंपल रूल फॉर गेटिंग अहेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज फाइंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन आउटनाइजेशन एंड डू डू थिंग्स थिंग्स एंड यानी कि सबसे उन्होंने कहा है कि uh, एक सिंपल uh, रूल ये है कि आप ये देख लो कि आपको वो वैल्यूज को प्रमोट करना है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड करती है अगर कस्टमर फोकस uh, है ऑर्गेनाइजेशन तो आप कस्टमर को फोकस करें कस्टमाइज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो जाए अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट को फोकस करती है कस्टमर उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो सिर्फ प्रॉफिट को फोकस करें सेल को फोकस करें ठीक है और इम्प्लॉज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि अब हम इस वक्त इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो बेशुमार इसमें से लीडर्स होंगे बेशुमार इसमें इम्प्लॉज़ होंगे लेकिन जिस तरह की शेयर वैल्यूज़ होते हैं जिस तरह की इन्वामेंट एक लीडर प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसी तरह की आपकी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं तो अब सिंपल रूल क्या है कि आपने उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स रिक्वायर्ड करते हैं अच्छा हाउ एन इस्टेब्लिश्ड एंड कैसे किया जाता है फिलॉसफी से ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स क्या चाहते हैं देन Uh, क्या सिलेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें देखते हैं डिग्रीज देखते हैं कैपेबिलिटीज uh, देखते हैं एक्सपीरियंस देखते हैं कि वो एम्प्लॉज की क्या क्या uh, किन बेस के ऊपर वो रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर उनसे काम लेंगे दैन टॉप मैनेजमेंट और उनके साथ में सोशलाइजेशन uh, का प्रोसेस ये सब चीज़ें और फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करते हैं तो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड मेंटेन ये सब आपके सामने आ गया ना अब ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लानिंग फंक्शन के अलावा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है उसके या ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं द डिग्री ऑफ रिस्क दैट प्लान अब रिस्क कितना लेना चाह रहे हैं तो कितना ये एम्प्लॉज़ को बताया जाता है और उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे और इन्हीं के जो है रिक्वायरमेंट है और प्लान ये हैं इतने किस इतना रिस्क आप ले सकते हो ये सब प्लानिंग का पार्ट है और ये जो कल्चर आपके है उसको बिल्डअप करेंगे अब ये उन सब पॉइंट्स को बल्कि आप अब ये सारे जो सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर के इश्यूज हैं इसके अंदर एथिकल कल्चर एंड देन फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज आउटकम्स अब आपको मीन्स के किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं किस तरह से अब ये मीन्स होते हैं एक प्रोसेस का पार्ट होते हैं कि रास्ता आपने एक गोल तो अटेन कर लिया लेकिन किस तरह से अटेन किया आपको कहा था कि आप एक लाख कमाएंगे तो आपने एक लाख कमाने का जरिया क्या था मीन्स क्या थे तो उसको कहेंगे कि किस तरह से कमाया गया मेहनत से कमाया गया ज़रा दोनों चीज़ों में मेहनत अगर आप चोरी करने में जाते हैं तो, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है अगर चोरी नहीं करते तब भी मेहनत करते हैं लेकिन जो सीधा क्या है कि आपने हलाल की तरफ जाना है और हराम से एवॉड करना है तो ये क्या चीज़ है कि पोकस ऑन मीन्स एज वेल एज आउटकम्स और एक एथिकल की बात है लो टू मॉडरेट अग्रेसिवनेस अब यानी कि उधर अग्रेसिवनेस नहीं होती कंपेटिटिवनेस नहीं होती लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते अब क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर चैलेंजेस एंड इन्वॉल्वमेंट लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है फ्रीडम उनको डिसीजन uh, मेकिंग की फ्रीडम दी जाती है ट्रस्ट एंड ओपननेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्प्लॉइज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करती है और ओपननेस एक्सपीरियंस तो होती है ये ये आप करेंगे तो आपको ये ये फायदा होगा आइडियल टाइम आइडियल टाइम आइडिया टाइम मीन्स के आप कितना एक आइडिया को एक ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लेते हो एक टेक्नोलॉजी को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किस किस्म की चीज़ों को आप या किस किस्म के सॉफ्टवेयर Uh, को इंस्टॉल करवाते हो और किन किन एक्सपर्ट्स को हायर करते हो ये सब चीज़ें आके इनोवेटिव कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगी प्लेफुलनेस एंड ह्यूमर लोग कितना आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टन एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है डिबेट्स कितनी डिबेट्स को इनक्रेज किया जाता है रिस्क टेकिंग कितनी है ये सारे इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट uh, सो so, अब बाकी जो है कस्टमर रिस्पॉन्व या क्रिएटिंग कस्टमर रिस्पॉन्स होना एक अच्छा कल्चर की बुनियाद है सारे पॉइंट आप खुद ही से स्टडी करेंगे एंड वर्क प्लेस स्परिचुअलिटी क्या चीज है थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यानी कि उनकी एक अपनी जिंदगी भी है अदर देन द अब यानी कि ये जो स्परिचुअलिटी uh, है ये बड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है और मेरे थीसिस का भी यही टॉपिक है तो आ, ये एक जो है हम लोग अभी तो सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इम्प्लॉज़ के फैमिलीज़ के ऊपर काम करती हैं ठीक है उनकी फैमिली का ख्याल रखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हो जाएंगे और अगर वो आ, उनकी आ, उनकी सेहत का ख़्याल रखेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हो जाएंगे ये सिर्फ एक आ, अभी ऑन गोइंग प्रैक्टिस हैं ऑफ़ मल्टा नेशनल्स लेकिन वर्क प्लेस स्परिचुअलिटी जो है ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक के आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉज़ की इनर लाइफ को किस तरह से इम्पेक्ट करती है यानी कि आपकी इनर लाइफ को आपको आपका डिप्रेशन आप आपकी हैप्पीनेस का ख्याल रखना आपकी डिप्रेशन आप कहीं डिप्रेस तो नहीं हो गए आपका रूटीननेस और आप टायर्डनेस और आप अंदर तो नहीं आ गई या आपका वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आपकी आ, कितनी आपको की जाती है आपको कितना मोटिवेटेड रखा जाता है काम करने के लिए और मोटिवेटेड आपको कितनी अच्छी इन्वामेंट प्रोवाइड की जाती है आपको कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है अब ये सब चीज़ें जो है ये वर्क प्ले स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की इनर लाइफ की रिकॉग्निशन करेगी कि आप किस तरह का कर महसूस करते हैं अब आप मैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके इमोशंस क्या हैं चीज़ों के ऊपर दैट नरिश एंड इज नरिश्ड बाई मीनिंगफुल वर्क अगर आपका काम हर इंडिविजुअल का काम उसके मुताबिक होगा मतलब उसके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा तो वो अपने दिलो जान, और दिल और जान से उसके लिए हिम्मत करेगा और दिलो जान से उसके लिए हार्ड वर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम को प्रोड्यूस करके लाएगा दैट टेक्स प्लेस इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी और एक कम्युनिटी का वो पार्ट बनेगा और ये सारी जो चीज़ें हैं ये वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करती हैं यानी कि आपकी जो इनर लाइफ के साथ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक है आपकी इनर लाइफ के साथ वो आप वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी कहलाती है अब थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं करेक्टरिस्टिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉग सेंस ऑफ परपज यानी कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर ये लिया गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अब वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन यतीम बच्चों के लिए काम करती है और उसके जो इम्प्लॉज़ हैं वो उधर काम करना और यतीम बच्चों की हेल्प करना गरीब बच्चों की हेल्प करना आ, को एक तो स्वाब समझते हैं और दूसरी बात आ, उसको आ, आ, और उससे कमाते भी हैं यानी कि काम भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरा बात उनकी एक इनर सेटिस्फेक्शन समझ लें कि उनको लगता है कि इसको ये काम करना स्वाब का बायस है जो कि उनको आखरत में या अपने उनके ज़िंदगी के बाद भी बेनिफिट देने वाला है तो उनके पास एक स्ट्रॉग सेंस ऑफ पर्पज़ होती है कि हम किसी पर्पज़ को सर्व करें हम ह्यूमनिटी की हेल्प करें तो ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का है इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने ले आए हैं एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस इस जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर डालना चाहती है कि विजन ओरिएंटेड होकर कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आप जिस का, जो भी काम कर रहे हैं उसका एक खास मकसद है और ये इसके ऊपर रिवॉर्ड किया जाएगा यानी कि जिस तरह से एक रोजी कमाई जाती है कस्बे हलाल कमाना आ, इबादत है अब ये इस ये सेंस इम्प्लॉयज़ के अंदर डाल देना कि अपने हाथ से रोजी कमाना जो है वो इबादत है तो जब ये सेंस इम्प्लॉयज़ के अंदर जनरेट कर ली जाएगी तो उनके अंदर भी एक स्ट्रॉग सेंस ऑफ पर्प आएगा कि आप कुछ ऐसे ही नहीं कर रहे बल्कि आप अपनी रो, अपने हाथ से जो रोज़ी कमा रहे हैं वो एक इबादत का हिस्सा है जिसका आ, सिला आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और दुनिया के बाद भी मिलेगा दैन फोकस ऑन इंडिविजअल डिवलपमेंट और इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं नॉट ओनली दी ग्रोथ कि वो हमारे साथ स्टे करें बल्कि डेवलप भी करे डेवलप में उसकी इंटरनल जो है सेटिस्फेक्शन प्लस इंटरनल ग्रूमिंग और इसके अलावा उसकी इंटरनल लर्निंग भी आएगी ये सब चीज़ें देन ट्रस्ट एंड ओपननेस वो ट्रस्ट भी करते हैं और ओपननेस भी एक्सपीरियंस होते हैं देन इम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट अपने इम्प्लॉयज़ को एम्पावर भी करते हैं ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और टॉलरेशन ऑफ इम्प्लॉयज़ एक्सप्रेशन यानी कि इम्प्लॉयज़ का जिस तरह का एक्सप्रेशन होता है गुस्से का है उ, उसको भी टॉलरेट करती हैं क्योंकि इमोशंस हर एम्प्लॉय के साथ होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ये बात समझना कि ये हर एक इमोशंस जो हैं गुस्से वाले खुशी वाले और ये सारे इमोशंस हर इंडिविजुअल के साथ होते हैं तो अगर वो ऐसा हो रहा है तो वो उसको टॉलरेट करना है अगर वो एग्रेसिव हो गया तो एम्प्लॉय को बल्कि बुरा भलाने का ना उसको टॉलरेट करना है और उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने को देन बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय टर्न स्ट्रॉगर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज क्रिएटिविटी इंक्रीज इंप्लाई सेटिस्फेक्शन इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस इनक्रीज ऑर्गेमेंस डिफाइनिंग दसटर्नल इन्वायरमेंट अब थोड़ा सा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होती है क्योंकि हम लोग कल्चर और इन्वायरमेंट uh, को दोनों को देख रहे हैं ना तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरह की होती है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और एक आपकी है जनरल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स दैट है डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन तो वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है आपके कस्टमर आपके सप्लायर्स एक्सटर्नल फोर्सेज के आएंगे और वो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देन देर इज अ जनरल इन्वायरमेंट ब्रॉड इकनॉमिक सोशल कल्चरल पोलिटिकल लीगल डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल कंडीशन दैट मे अफेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन और इनका सबके गवर्नमेंट पॉलिसीज इकनॉमिक पॉलिसी सब के जो इम्पेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो वो उनकी जनरल इन्वायरमेंट है जबकि जो कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं कस्टमर सप्लायर्स इम्प्लॉयिज़ यूनियंस ये सब जो हैं ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का पार्ट है और इमिजिएट इम्पेक्ट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि एक्सटर्नल इन्वामेंट इसमें इकनॉमिक ग्लोबल पोलिटिकल सोशोट सोशो कल्चर कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक और ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जिसके अंदर सप्लायर्स हैं कस्टमर्स हैं कंपेटिटर्स हैं पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स हैं पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स ये होते हैं कि जो आपके जैसे फेसबुक के ऊपर जो है कोई ऐसी चलना शुरू हो जाती है पोस्ट जिसमें ऑर्गनाइजेशन की रेपो ख़राब हो रही है तो वो उसकी वजह से एक प्रेशर ग्रुप राइज हो गया आप समझ लो एक दीनी ग्रुप जो है वो राइज हो गया कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसकी वजह से जो फॉलोइंग होगी तो वो एक इस्लामिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो मौलवी हजरात हैं वो पीछे पड़ गए तो वो क्या है पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रोडक्ट्स को बंद किया जाए ये 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 वजूहत हैं इनकी वजह से बंद कर दिया जाए तो वो पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स हैं एंड देन ये आपके कुछ हैं लेगस्लेटिव अफेक्टिंग बिजनेस के ये अमेरिका से रिलेटेड हैं uh, हम अभी इन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे the extent to which managers have knowledge of uh, and are able to predict change their organization's external environment is affected by complexity of the environment kitni complex hai jo aapki external environment hai jisse smooth nahi hai pakistan ki jo environment hai wo thodi si complex hai degree of change in the environment uske andar kitne change components ki kitne jaldi aapke change ko accept karte hain ya reject karte hain to degree of change अब ये सारे डिग्री ऑफ चेंज को स्टेबल डायनामिक कल्चर की ये सारी पॉइंट्स हैं इन सबको आप देख लीजिएगा खुद ही से बाकी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट और बींग अफेक्टेड बाई दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इन्वायरमेंट एक स्टेक होल्डर है आपके बाकी के शेयर होल्डर्स कस्टमर सप्लायर ये सब आपके होल्डर्स हैं ओके मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट एंड कल्चर का पार्ट है तो इसके अंदर आपको आ, के स्टेक होल्डर के साथ अच्छा आ, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाए दीज आर होल्डर्स जिसमें इम्प्लॉइज हैं कस्टमर्स हैं सोशल एंड पोलिटिकल एक्शन ग्रुप्स हैं इनका किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होता है देन कंपेटिटर्स हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं देन गवर्नमेंट्स हैं मीडिया है सप्लायर्स कम्यूनिटीज स्टेक होल्डर्स यूनियंस इम्प्लॉज़ ये सारे इन सबको ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं और इनका ये इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इंफ्लुंस करता है और ये खुद भी इन्फ्लुंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से इसलिए ये स्टेक होल्डर्स होते हैं बाकी आप ये की टर्म्स टू नो आप कर लीजिएगा थैंक यू वेरी मच